हेलो एवरीवन, दिस इज राइट फ्रॉम स्टूडियो 9 और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्रेशन लेके। सो व्हाट इज कंप्रेशन, हाउ टू यूज इट एंड व्हेन टू यूज इट, सो वी विल डिस्कस इन दिस ट्यूटोरियल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने के पहले सबसे पहले जो हम लोगों ने ट्रैक बनाया है अभी तक, तो वो एक बार सुन लेते हैं हाउ इट साउंड्स लाइक। ये सारा ट्रैक में मैंने इक्वलाइजेशन डाल दिया है। आई हैव पेंड अ लिटिल बिट हियर एंड देयर। आई हैव डुप्लीकेटेड दिस ट्रैक्स, दिस वन इन द लास्ट ट्यूटोरियल एज यू कैन सी। तो ये क्यों करना है, व्हाई वी नीड इट। सो एक्चुअली क्या होता है ना कि सपोज हम एक ऐसा गाना मिक्स कर रहे हैं जहाँ पे जो वोकल है एक जगह पे बहुत कम हो गया है, सुनाई नहीं दे रहा है, बाकी के इंस्ट्रूमेंट के नीचे दब गया है। लेकिन वो अगर मैं बढ़ा दे रहा हूँ ना, तो जो लाउडर पार्ट है, लाउडेस्ट पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए जहाँ पे क्वाइट है वहाँ पे उसको ज़्यादा करे, जो लाउड है वहाँ पे उसको कम करे। वी कैन डू इट थ्रू ऑटोमेशन, मैनुअल ऑटोमेशन, वी कैन डू इट एडजस्टिंग द वॉल्यूम, बट दैट इज़ अ टीडियस टास्क। वी डू इट डेफिनेटली, बट कंप्रेशन में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये एक एप्लीकेशन है कंप्रेशन का। कंप्रेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो लेट्स हैव अ कंप्रेशन एंड देन वी विल एक्सप्लेन द रेस्ट। तो ये है मिक्सर। सो लेट्स ऐड समथिंग इन आवर ड्रम बस, आई मीन दिस वन, नॉट बस, इट्स जस्ट ट्रैक। तो यहाँ पे अगर मैं कंप्रेशन ऐड करता हूँ, लेट्स ऐड द कंप्रेशर। तो ये है हम लोगों का कंप्रेशन। ये कर्व को हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ना, दिस इज द इनपुट। वाई एक्सिस जो है, दैट इज द आउटपुट, इनपुट वॉल्यूम, आउटपुट वॉल्यूम। तो अगर ये जो ग्राफ है बिल्कुल ऐसा सीधा जाता है, इन दैट केस वॉट एवर इज द इनपुट, दैट इज द आउटपुट। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर -24 dB में है इसका इनपुट, तो -24 dB का इसका आउटपुट भी है, है ना। एक्स एक्सिस में देखिए इसका इनपुट है -24 dB, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे उसका आउटपुट भी -24 dB ही है। मतलब यहाँ पे कोई डायनामिक्स हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। मतलब कंप्रेशन कब आता है कि एक वॉल्यूम के ज़्यादा होगा ना, एक वॉल्यूम से ज़्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम हम कम कर देंगे। तो लेट्स से जो हम लोगों का सपोज 12 dB है, 12 dB के अगर ऊपर कोई साउंड जाता है हम उसको कम कर देंगे। लेकिन ग्राफ अगर सीधा रहेगा तो उसको तो कम कर नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रेशियो इंक्रीज करना पड़ेगा। 1:1 कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा है, मैं इसको कम कर दे रहा हूँ। तो आप देखिए, अगर 12 dB का साउंड है तो 12 dB ही जा रहा है, लेकिन 12 dB के ज़्यादा अगर है, सपोज दिस वन, मे बी दिस वन इज 6 dB और समथिंग, तो यहाँ पे अगर है ना, तो यहाँ पे इनपुट जो है, इनपुट -6 dB है, लेकिन आउटपुट देखिए -6 dB पे नहीं जा रहा है। ये आउटपुट ना -6 से कम हो रहा है, -10, -8 ऐसा कुछ होगा। तो दिस इज द रेशियो एंड दिस इज द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड जितना बढ़ाएंगे हम, उतना ज़्यादा आपका साउंड घटेगा। रेशियो के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो और जितना साउंड कम हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 6 dB आ रहा है अंदर, लेकिन बाहर देखिए बाहर नहीं जा रहा है, 6 dB से थोड़ा कम जा रहा है, यहाँ पे -9 dB के आसपास जा रहा होगा शायद। तो यहाँ पे हम 3 dB का गेन रिडक्शन हो रहा है। तो गेन रिडक्शन इज द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन बीइंग अप्लाइड। ये ऊपर का जो हिस्सा है ना, यहाँ पे गेन रिडक्शन दिखा रहा है। तो लाउडेस्ट पार्ट जो है, ये जो लाउडेस्ट पार्ट में जा रहा है हम लोगों का, वहां पे -8.74 dB का कंप्रेशन हो रहा है, गेन रिडक्शन हो रहा है। तो इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है अटैक टाइम। अटैक टाइम है कितना जल्दी ये कंप्रेशन सेट इन कर रहा है। अगर अटैक टाइम बहुत कम है तो पूरा का पूरा सिग्नल जो है ना, दैट विल बी कंप्रेस्ड। इसका मतलब है कंप्रेशन के थ्रू हम करते क्या है, सारा जो लाउडेस्ट पार्ट था ना उसका वॉल्यूम हम लोगों ने सिलेक्ट करके लाउडेस्ट पार्ट का वॉल्यूम हम लोगों ने कम कर दिया, फिर जो है टोटल जो वॉल्यूम उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। तो क्वाइटेस्ट पार्ट भी लाउड हो गया, लाउडर पार्ट उतना लाउड नहीं रहा। तो ऐसे डायनामिक्स रेंज जो है वो हम कम कर दिए, दैट इज द मेन फंड ऑफ कंप्रेशन। तो अटैक जो है इसको अगर हम बहुत कम रखेंगे तो
तो द इनिशियल पीक्स जो है, जो जहाँ पे वो वेव फॉर्म में जो ग्राफ दिखता है ना ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है ऐसे ऊपर ऊपर, तो वो जो इनिशियल पीक्स जो है ना वो प्रोसेस होगा यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ ना तो वो इनिशियल पीक जो है वो प्रोसेस नहीं होगा, तो वहाँ पे बहुत लाउड होगा ये। फिर ये आता है रिलीज टाइम, तो रिलीज टाइम पे ये जो कंप्रेशन थ्रेशोल्ड के नीचे जैसे ही सिग्नल जा रहा है तो कितना जल्दी कंप्रेशन उसको छोड़ रहा है प्रोसेस करना, दैट इज़ द रिलीज टाइम। तो ये एक्चुअली जॉनर के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स एंड दिस इज द मिक्स हाउ मच यू एक्चुअली वॉन्ट दैट कंप्रेशन टू बी। ये है आपका इनपुट गेन, इनपुट गेन जितना बढ़ाएंगे गेन रिडक्शन बढ़ जाएगा, और ये एक्चुअल में गेन आपका, तो यू कैन एक्चुअली अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आपका बहुत वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो यूज़ इट वेरी वेरी यू नो सेंसिबली। फॉर अ स्टार्टर, फॉर अ बिगिनर यू हैव लॉट्स ऑफ प्रीसेट्स, तो यू कैन एक्चुअली सिलेक्ट फ्रॉम देयर। लाइक ये ड्रम्स है ना, तो ड्रम्स के प्रीसेट्स हैं, ये यहाँ पे फंक के प्रीसेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे, दैट इज़ गुड फॉर स्टार्टिंग। अगर नी का वैल्यू ज़्यादा होता है तो ये सॉफ्टर होता जाता है। फॉर ड्रम्स एक्चुअली वी नीड अ हार्ड नी, और फॉर अदर पर्पस वी नीड अ सॉफ्ट नी। दिस इज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द कंप्रेशन। वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज साइड चेन। साइड चेन थोड़ा एडवांस है लेकिन मैं जो स्टेप्स है आपको बता देता हूँ। सपोज ये वाला जो साउंड है ना, इसको मुझे साइड चेन करना है, तो यहाँ पे हम एक्चुअली एक कंप्रेशन ला सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे हेवी कंप्रेशन रहेगा, इसका जो रेशियो है सपोज इट्स नॉट बीइंग कंप्रेस्ड, अभी इट्स बीइंग कंप्रेस्ड, यहाँ पे गेन रिडक्शन शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट हार्ड लिमिटिंग हो रहा है ये। अभी क्या करेंगे ना हम लोग कि ये ड्रम्स जो ट्रैक है इसके साथ इसका जो वॉल्यूम है इसको मुझे कम ज़्यादा करना है, तो एक्चुअली इट शुड बी ट्रिगर्ड विथ सम वन किक। यहाँ पे हम लोगों का जो ड्रम है ना और डिक चिक डक चिक डिक सारा कुछ बज जा रहा है, तो इसीलिए साइड चेन प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। फिर भी लेट्स ट्राई इट आउट। तो सेंड में हम लोग साइड चेन में प्रेजेंस है ना वो, हाँ प्रेजेंस टू कंप्रेशन, इसको मैं यहाँ पे सेंड करूँगा, जितना ज़्यादा सेंड करूँगा उतना साइड चेन होगा, और यहाँ पे हम लोग कंप्रेशन का साइड चेन जो है ना उसको इनेबल कर देंगे, तो नाउ इट्स बीइंग साइड चेन। तो आप देख सकते हैं एक डायनामिक टाइप ऑफ थिंग अटैच हुआ है इसमें। एक्चुअली वी शुड इंक्रीज द So this is the fun of side chain when you are controlling one compression by some other level, you know, that is the side chain, that is the fun of side chain. So this is our track now. तो आप ज़रूर बताइए मुझे ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर कंप्रेशन को लेके अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में बताइए उसको। कंप्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक्सपेंडर होता है, गेट होता है, फिर मल्टीबैंड कंप्रेशन होता है, तो इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट एंड यू हैव टू बी रियली यू नो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कंप्रेशन, टू हियर द कंप्रेशन एक्चुअली। सो ये बिगिनर के लिए थोड़ा इसको मुश्किल है समझना, लेकिन जैसे जैसे आप इसका यूज़ करते जाएंगे ना, फॉर जस्ट स्टार्टिंग यू कैन यूज द प्रेसेट्स, जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ना उतना अच्छा होता जाएगा। तो जस्ट कीप प्रोड्यूसिंग द म्यूजिक एंड इफ यू लाइक द चैनल, इफ यू लाइक द कंटेंट, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल बटन प्लीज।
एंड अगर आपको मुझसे एडवांस क्लासेस करना है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी थ्रू फेसबुक, यू कैन मैसेज टू स्टूडियो 9. ओके, टेक केयर.